अम्र क्या है, अब यह अम्र की हमको समझने की ज़रूरत है कि अम्र क्या है, क्योंकि ये कुरान में बहुत जगह पर अम्र आया है। अब उसका जो है तर्जुमा अक्सर सब जगह पर हुक्म होता है, अम्र का तर्जुमा हुक्म होता है, वो हुक्म होता भी है, वो सही है, लेकिन उसके पीछे क्या बेस है कि उस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है कि अम्र है क्या, उसका अम्र कैसे काम करता है, उसका जो कानून जो हमको दिखता नहीं वो कैसे काम करता है। तो अम्र क्या है, तो अम्र के लिए एक वाकया, एक समझने के लिए हम देखें उसको, अगर गौर फिक्र करेंगे वो वाकया जो कुरान में सूरह कहफ में आया है, मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उसमें आया वाकया, तो उसके अंदर तीन वाकयात उसके अंदर बताए गए, खिजर अलैहिस्सलाम के साथ जो मूसा अलैहिस्सलाम गए तो तीन वाकयात उनके साथ में पेश आए। तो अम्र क्या है, अम्र ये समझे कि अम्र उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे एक इंजीनियर साहब ने एक मकान का एक प्लाट का नक्शा बनवाया, यहाँ पर मकान बनाना है, या कोई पुल है तो उसका नक्शा बनवाना है, उसको इंजीनियर को हमने दिया कि ये जगह और यहाँ पर ये चीज़ को करना है, तो अब उसने हमको नक्शा बना कर दिया, तो ऐसा नहीं कि जब ये बना के वो दे रहा है, प्रिंट निकाल रहा है, ये पेपर को उसने बना दिया तब से ही ये बना, तभी बना, ये नहीं है, ये पहले से ही बन चुका, आपने उसको कहा था कि यहाँ पर हमको एक मकान बनाना है, ये फैसिलिटी चाहिए हमको, तो तभी से उसके दिमाग के अंदर वो नक्शा बना रहा था, यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर दरवाज़ा होगा, यहाँ पर ये चीज़ें रखना है, यहाँ एक कमरा होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ से जो बाहर जाने का रास्ता होगा, यहाँ सीढ़ियाँ होगी, तो उसके बाद उसके दिमाग में पूरा कंप्लीट हो गया। तो फिर क्या किया उसने, पेपर पे आपको प्रिंट निकाल कर दे दिया या फिर बना कर दे दिया, तब वो आया। तो ये ऐसा नहीं है कि वो उसी वक्त वजूद में आया, वो उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो फिजिकल कब आया, जब आपको उसने दिया सामने, लेकिन वो पहले से ही चल रहा था। तो वैसे ही ये अल्लाह का अम्र है जो पीछे चलता है, हमको जब समझ में आता है जब वो हो चुका होता है तो उसका अम्र चलता है। तो इस वाक्य के अंदर अगर हम देखें तो अम्र को ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह की तदबीर है, उसका प्लानिंग है अल्लाह की, जो बेस में चलती है, जो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि मादा नहीं है उसके अंदर, सामने आ जाए तो फिर वो खल्क हो जाता है, तखलीक हो जाती है, फिर वो दिखने लग जाती है, क्रिएशन है, वो सामने आ जाता है, जिस तरह से वो नक्शा सामने आता है हमारे पे क्रिएशन के बाद में, तो ये होती है। अब जो सूरह कहफ में जो वाक्य मिलता है कि जहाँ अल्लाह ने उनसे कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से, अब उसके लिए बहुत सारी अलग अलग वाक्यात आए हैं उसके तफसील के अंदर कि क्या क्या वाक्यात हुए हैं उसके अंदर। तो कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हमारा एक बंदा मिलेगा तुमको, तो उसके लिए वो मछली लेकर गए और फिर मछली उछल कर पानी में चली गई, और तमाम वाक्यात उसके अंदर आते हैं, मिलते हैं। अब कई लोगों ने उसमें ये भी डाला कि वो पानी के अंदर ही गए मूसा अलैहिस्सलाम और अंदर ही थे और ये सब तमाम चीज़ें, लेकिन असल ये है कि अल्लाह ने उस वाक्य में क्या कहा कि खिजर अलैहिस्सलाम के पास में पहुँचे मूसा अलैहिस्सलाम और जाकर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे इल्म सीखने के लिए मैं आया हूँ, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे इल्म सीखो, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। उन्होंने शर्त रखी उनके सामने कि तुम मेरे जब मैं कुछ करूँ, कुछ हो तो तुम सवाल मत करना, मैं जब बताऊँगा तब बताऊँगा लेकिन सवाल मत करना, सवाल करोगे तो फिर हमारा तुम्हारी जुदाई हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें साथ में नहीं रखूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं करूँगा सवाल, और वो गए और फिर उन्होंने जो है क्या कि चलो, और चलते गए, चलने के बाद में उन्होंने कश्ती पानी में चलने की नाव उन्होंने किराए से ली, और किराए से लेने के बाद में फिर उसके अंदर जो है वो वही उसमें जो ऐसा हमको लगता है कि खिजर अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर छेद कर दिया गया, छेद हो गया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम क्या ये क्या किया तुमने, एक तो किराए से ली और ऊपर से उसमें छेद कर दिया, ये क्या तुम्हारा इंसाफ है, तुमने क्या किया, वो टूट दी, नुकसान कर दिया उसका। फिर उसके बाद में फिर उसके अंदर एक बच्चा था, एक जा रहा था, बच्चे को कत्ल कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि ये तुमने क्या किया, उसको बेकसूर ही तुमने मार दिया, तो उन्होंने कहा कि तुमसे कहा था मैंने चुप रहो, सवाल करोगे फिर अपने बीच फिर जुदाई, तुम तुम्हारा रास्ता देखो, लेकिन अब क्योंकि अल्लाह का हुक्म था मूसा अलैहिस्सलाम को साथ में ही रहना था उनके, फिर वो आगे बढ़े और आगे जाकर उन्होंने देखा कि गाँव में पहुँचे, वहाँ उन्होंने उनसे कुछ खाना मांगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि खाना नहीं दिया गांव वालों ने, फिर भी वहाँ पर एक दीवार थी तो टूटी हुई थी तो उन्होंने दीवार बना दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी कि ये क्या किया तुमने, जब इन्होंने खाना ही नहीं दिया तो दीवार बना दी, दीवार के बदले कुछ ले लेते उनसे, मेहनत ले लेते, उजरत ले लेते, तो कम से कम खाना वगैरह खा लेते। तो उन्होंने कहा कि बस तुम्हारे तीन सवाल हो गए, तुमसे मैंने कहा था खामोश रहो, अब तुमको मैं तफसीलात बता देता हूँ कि ये क्यों 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 हुआ। तो वहाँ पर जो तफसीलात उसके अंदर मिलती है, वो तफसीलात ये है कि वो नाव में इसलिए छेद किया गया कि उसके अंदर वो जो बादशाह था, एक बादशाह था जो अच्छी अच्छी नावों को रख लेता था, तो इसकी वजह से उसको डैमेज कर दिया गया ताकि उसकी नाव बच जाए गरीब आदमी की। दूसरा ये बताया गया कि ये बच्चा जो इसको कत्ल किया क्योंकि बाद में ये जो है कोई एक डाकू बनने वाला था और ये इसके माँ बाप को तकलीफ देता,
तो इसके अभी ख़त्म कर दिया गया ताकि उनके माँ बाप नेक होंगे तो अल्लाह उनको तकलीफ नहीं देना चाहता हो। इसी दीवार के लिए भी आता है कि उसके अंदर कुछ दबा हुआ था खजाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमको मिलती है। लेकिन अब बात सोचने की ये है कि ये जो है मूसा अलैहिस्सलाम है, तो मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले तो ये है कि अब यहाँ इसके बारे में, इनके बारे में ये आता है खिज्र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कि ये या तो ये तो कोई नबी थे, रसूल थे उस वक्त के, इतने ज़्यादा जो बड़े थे उनसे ज़्यादा इल्म रखते थे मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा। लेकिन ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कोई रसूल आता है तो उस रसूल से ज़्यादा अक्लमंद उस वक्त में उस जगह पर कोई नहीं होता है। तो वहाँ पर ऐसा कोई आएगा नहीं। दूसरी चीज़ के अब इसमें उलमाओं में इख्तिलाफ भी किया, कई ने कहा कि ये तो फरिश्ते थे, कई ने कहा नहीं वो रसूल ही थे। लेकिन अल्लाह ने जो कुरान में कहा कि वो हमारे बंदों में से एक बंदा था, अब बात इसलिए आ रही कि ये जो नबी है मूसा अलैहिस्सलाम जो रसूल है उस वक्त के, तो ये जो ऐसे रसूल वहाँ पर, तो उनको तरबियत दी जा रही है इनके साथ रहने, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि इनके साथ तरबियत लो जाकर, इनके साथ में तुम देखो, तो तरबियत दी जा रही है। तो साहिब शरीयत नबी को ऐसी तरबियत दी जाएगी कि किसी की कश्ती में छेद कर दो, ये वाकया तो ऐसे ही लग रहा है, फिर हम उसके अंदर गौर फिक्र ना करें तो यही लगेगा कि हाँ ये तो छेद कर दिया गया उसके अंदर बिला वजह, और एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया दीवार वाला वाक्य। अब ये वाक्य देखिए तो अब इसके अंदर ये हो, अब ये कैसे होगा कि एक साहिब शरीयत नबी को ऐसी तालीम दी जाए कि तुम चाहो तो किसी के उसमें वो कर दो, ये बच्चे को कत्ल कर दो। अब ये तो नहीं सिखाया जाएगा नबी को, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मालूम भी हो जाए आपको कि एक बच्चा है और ये बड़ा होकर जो है ये करेगा और ये गुनाह करेगा, तो भी मालूम होने के बाद भी आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, ये अल्लाह ने दुनिया के अंदर कानून रखा है, तो किसी को भी इसे मारा नहीं जा सकता। तो ये उस वक्त के रसूल को भी ये तरबियत नहीं दी जा सकती कि तुम किसी को मार दो अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए तो। दूसरे किया जा सकता है कि उसको समझाया जा सकता है, उसको जेल में बंद कर दिया जा सकता है ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन मारा तो नहीं जा सकता कम से कम। तो ये तरबियत क्यों दी जा रही है, क्योंकि ये पीछे का जो मामला है, ये जो हो रहा था जब अल्लाह ने कहा कि हमारे बंदों में से एक बंदा, वो ये तो रसूल इंसान में तो नहीं हो सकता, ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि इंसानों के लिए वो कानून ही नहीं है कि कोई किसी के वो नबी और रसूल और वो किसी के नुकसान पहुंचा सके, किसी को कत्ल कर सके, ये कर ही नहीं सकते। कोई भी रसूल को ये हक दिया नहीं गया, दुनिया के जो अल्लाह ने कानून बनाए उसके खिलाफ है। तो या तो अल्लाह के बंदों में से एक बंदा, या तो फरिश्ते हो या फिर जो भी अल्लाह की मखलूक हो, वो थे जो उनको सिखाने आए थे, कि इंसान नहीं थे, कि इंसान ऐसी तरबियत उनको नहीं दी जा सकती। तो अल्लाह ने बंदा कहा उनको, तो अम्र समझने के लिए भेजा था। अम्र क्या है कि अल्लाह के जो फैसले अम्र में होते हैं, बेक में होते हैं, पीछे हमारे समझ में नहीं आते। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अम्र जो पीछे के जो फैसले वो उनको दिखाने के लिए वहाँ पर भेजा गया था। तो वहाँ पर जो ये है कि वो कश्ती का जैसे टूटना हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम और वो खिज्र अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे, वो बैठने के बाद में फिर ये हुआ होगा कि वो हवा का जो फरिश्ता है, तो क्योंकि अल्लाह के जो निज़ाम है दुनिया के अंदर ही सारे फरिश्ते ही चलाते हैं, तो वो हवा का जो फरिश्ता उनने उसको जो है वो दिया होगा, हवा से उसको कश्ती को भुलका दिया होगा, वो जाकर किसी चीज़ से टकरा गई, उसमें छेद हो गया। अब वो फरिश्ते का काम ये होता है, तो पीछे तो ऐसा ही लगेगा कि इन्होंने किया, क्योंकि वो पीछे हो रहा है, वो गेप के अंदर हो रहा है, अम्र हो रहा है पीछे से, हमको तो सिर्फ रिजल्ट दिखेगा सामने से, तो वो फरिश्तों ने किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अम्र को देख रहे थे तो उनको लगा इसने, इन्होंने किया, ये इन्होंने तोड़ी, तो उनसे कहा कि तुमने कैसे तोड़ दी है। फिर वो जो बच्चे को कत्ल करना हुआ तो ज़रूरी नहीं कि उसको तलवार लेके उन्होंने कत्ल किया हो, लेकिन क्योंकि अम्र में था तो उनको ऐसा लगा कि इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। हो सकता है कि वो छत पर खड़ा हो और वहाँ से गिर गया, इस तरह पतंग उड़ाते बच्चे गिर जाते, या कैसे फिसल गया हो नीचे गिरा और उससे वो मर गया हो, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि तुमने इसको मारा, क्योंकि ये फरिश्ते ही करेंगे पीछे, अल्लाह ने सब कामों के लिए फरिश्तों को ही लगा रखा है। तो कोई गिरता है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये सब फरिश्ते ही है, उठना बैठना हमारा चलना ये सब फरिश्ते हमारे को कंट्रोल हमको करते हैं, लेकिन हमारे उस पर ही करते हैं, जो हम चाहते हैं हमारे नफ्स के हिसाब से, हम खड़े होना चाहते हैं तो वो उठा देते, उनकी मदद से हम सब कुछ करते हैं। तो वो उनको ऐसा लगा के, तो असल में वो चीज़ बतानी थी पीछे की, ये देखो पीछे कैसे हम चलाते हैं, ये अम्र में होता है पीछे, लेकिन तुमको सामने से रिजल्ट दिखता है, तो उनको देखते हुए ये लगा कि ये सब ये कर रहे हैं। तो असल अल्लाह को वो दिखाना था मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये जो हमारा अम्र है जो तुमको नज़र नहीं आता, तुमको जब नज़र आता है, जब वो खल्क में आ जाता है
सामने जब तुमको दिखता है तो वो होता है, असल पीछे जो उसके बेक में है। जिस तरह अगर कंप्यूटर का नॉलेज हम रखते हो तो कंप्यूटर के अंदर हमको ये मालूम है कि जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं फिजिकल जो हमको दिख रहा है सामने, जो उसका डिज़ाइन और माउस उस पर चल रहा है और हम जो टाइप कर रहे हैं उस पर टाइप हो रहा है, किसी बॉक्स को क्लिक किया तो वो उससे सिलेक्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें हो रही है। जैसे मोबाइल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल के अंदर हम किसी ऐप पर क्लिक कर रहे हैं वो खुल गया, उसको हम उंगली उस पर चला रहे, स्क्रीन पर ऊपर जा रही है, तो असल में ये सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा, इसके पीछे जो कोडिंग की गई, इसके पीछे जो कोडिंग कही जो अंक रहते हैं वो चलते हैं, उसको वो जाता है। तो कंप्यूटर वाले जो है वो समझ सकते हैं इसको कि उसके पीछे जो कोडिंग है असल वो कोडिंग से वर्क कर रहा है, ये आगे से जो फिजिकल जो दिख रहा है उससे वर्क नहीं हो रहा, उसके पीछे से वर्क होता है, वो दिखता नहीं हमको, जो दिखता है जो सामने हमको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो वही है अल्लाह का अमर है कि जो कुछ बेक में हो रहा है, तो जैसे जहन में हमारा नक्शा होता है तो वो जहन में होता है, हमको कब मालूम पड़ेगा जब फिजिकल फॉर्म में आ जाए। तो ये इसी को अल्लाह का अमर कहते हैं, जो बेक में होता है सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम को वाजी की गई, दिखाया गया, वो समझाया गया, नहीं तो फिर हम ये कहेंगे कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम को ये सिखाया गया कि उनको अगर बता दिया जाए कि ये बच्चा है तो उसको कत्ल कर दो, किसी की कश्ती तोड़ दो, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के कानून के खिलाफ है अल्लाह ने जो कानून बनाए। तो ये अम्र में हुआ था, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसके अंदर हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये चीज़ों को खोल दिया कि कैसे होता है, हमारे इज्न से होता है, हमारे अम्र से होता है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर होती है। अब फिर हम ये तो एक अम्र की बात आ गई थी, तो मैंने वाकया रख दिया कि इस वजह से होता है, क्योंकि नहीं तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये तीन जो सवालात उसके अंदर उठते हैं, इस पर समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या था, कैसे होगा कि कोई किसी को कैसे कत्ल करने की उसको तरबियत दी जा सकती है रसूल को। तो इसके पीछे अम्र थी वजह, जो उनको बताना मकसद था।